नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक बार फिर से 63rd बीपीएससी ऑप्शनल का एक और क्वेश्चन करेंगे और आज का क्वेश्चन आपका फिर से थर्मोडायनेमिक्स से। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या है। 3 का बी है ये। इसमें क्वेश्चन है कि आपका थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स को डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स को। फिर क्या कह रहा है कि उससे आपको मैक्सवेल रिलेशंस डिड्यूस करना है, मैक्सवेल्स रिलेशंस को डिड्यूस करना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग पहले देखते हैं कि थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स क्या होता है इसको हम लोग देख लेते हैं पहले। द थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स इंटरनल एनर्जी यू एंथैल्पी एच हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी एफ एंड गिब्स फ्री एनर्जी जी आर टर्म्ड एज थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स। ठीक है, मतलब आपका चार हो गया, क्या हो गया, यू हो गया, एच हो गया, एफ हो गया और जी हो गया। ठीक है, यहाँ से हम लोग लिख लेंगे कि यू तो आपको पता है इंटरनल एनर्जी, ये सब चीज़ मैंने ऊपर बता दिया। तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे कि एच जो होता है ये इंथैल्पी होगा ना, तो इसको हम लोग टोटल एनर्जी भी बोलेंगे। ठीक है, तो एच को हम लोग लिख लेंगे यू प्लस पी वी, मतलब इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। ठीक है, तो ये हो जाएगा। फिर आपका क्या लिखना है, एफ क्या होगा वो लिखना है। ठीक है, तो ये आपका यू माइनस टी एस होता है। ठीक है, और फिर जी लिखना है, तो जी क्या होता है आपका एच माइनस टी एस। क्लियर, तो ये तीन इक्वेशन आपको लिख लेना। ठीक है, और यू तो आपको पता है, और ये सबसे हम लोग डिफरेंशियल बनाते हैं, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं, मतलब डी जैसे डी यू को हम लोग लिखना है। ठीक है, डी यू क्या होगा ये लिख रहे हैं हम लोग। तो हम लोग चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम लोग देखेंगे कि क्या होता है डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ठीक है, तो यहाँ से डी यू क्या हो जाएगा आपका डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू, और डी डब्ल्यू की जगह पे क्या हम लोग लिखेंगे पी डी वी। किसके लिए, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। ठीक है, डी यू इक्वल टू हो जाएगा डी क्यू माइनस पी डी वी, और डी क्यू क्या हो जाएगा टी डी एस होता है, टी डी एस माइनस पी डी वी। ये वाला चीज़ आपको एकदम याद रखना है स्टूडेंट्स, डी इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी, ये बहुत सारा जगह आपका यूज होगा। ठीक है, हम लोग मैक्सवेल रिलेशन जब अभी इस्टेब्लिश करेंगे तो देखिएगा कि ये सारा यूज होगा। ठीक है, तो हम लोग थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल को डिफाइन तो कर दिए हैं। ठीक है, लेकिन ये थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल कहलाते क्यों है। ठीक है, U, H, F और G आपका थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल कहलाते क्यों है, इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे सिंस द इक्वेशन फॉर पोटेंशियल इन इलेक्ट्रिसिटी और ग्रेविटेशन इज
ऑफ द फॉर्म ई इज इक्वल टू माइनस डो वी अपॉन डो आर, ठीक है, एंड द इक्वेशंस रिगार्डिंग यू एच एफ एंड जी टेक अ सिमिलर फॉर्म एंड दे आर पुट इन अपोजिशन ऑफ पोटेंशियल hence they are called and they are termed as potential or thermodynamic potential. Thermodynamic potential, ठीक है, this can be shown as below, नीचे आपको show कर देना. कैसे show करना, क्या था, डी यू इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी, ठीक है. तो यहाँ से हम लोग अगर कॉन्स्टेंट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम देखें, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम देखें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, टी इज इक्वल टू डो यू अपॉन डो एस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम. तो यहाँ आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर को हम लोग डो ई ओपन डो एस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर भी, ये कॉन्स्टेंट वॉल्यूम लिख दिए, ठीक है. तो यहाँ से देखिए, ये आपका एक पोटेंशियल का फॉर्म लिया ना, ये वाले इक्वेशन को देखिए और ये वाले इक्वेशन को, दोनों आपको सेम लग रहा है, और ये पोटेंशियल की जगह पे ये वाला पोटेंशियल था ना इलेक्ट्रिसिटी में, सिमिलरली यहाँ ये भी पोटेंशियल है. तो इसी तरह से हम लोग एक और यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे पी ही लिखना है हम लोगों, तो पी क्या लिखेंगे, माइनस डो यू अपॉन डो भी एट कॉन्स्टेंट एस एडियाबेटिक के लिए, ठीक है, एट कॉन्स्टेंट एंट्रोपी, मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, ठीक है. सिमिलरली हम लोग दिखा सकते हैं एफ के लिए भी, ये आपको बस लिख देना है, आंसर बहुत बड़ा हो जाएगा, ऐसे ऐसे करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए इतना एक्सपेंड नहीं करना, ठीक है. तो इस सिमिलरली हम लोग एफ के लिए भी, एच के लिए भी, जी के लिए भी ये सिमिलर फॉर्म लेता है. तो ये आपका थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल, ये तो पहला रीजन हो गया, ठीक है. दूसरा रीजन है कि यू एच एफ और जी को पोटेंशियल क्यों बोलते हैं हम लोग, क्योंकि इन नेचर ऑल द सिस्टम्स मूव इन अ डायरेक्शन सो एज टू अक्वायर अ स्टेट ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, सो एज टू अक्वायर अ स्टेट ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि कोई भी वाटर अगर हम लोग देखते हैं तो हायर लेवल से लोअर लेवल में जाता है, चार्ज को देखते हैं तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाता है, और हीवनली बॉडीज भी हम लोग देखते हैं कि वो स्फेरिकल शेप अक्वायर करता है, ठीक है. तो सेम वे में थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल भी जो है वो एक मिनिमम वैल्यू अक्वायर करने का टेंड करता है, ठीक है, मतलब कोशिश करता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें कि एक रिवर्सेबल आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए, रिवर्सेबल आइसोबैरिक या फिर एक मिनट फॉर एग्जाम्पल हम लोग, हाँ, रिवर्सेबल आइसोबैरिक सॉरी आइसोकोरिक एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हम लोग देखें, ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी यू जीरो हो जाता है, ठीक है.
डी यू जीरो हो जाता है। फिर ऐसे ही हम लोग देखेंगे कि रिवर्सिबल आगे हम लोग करेंगे, देखेंगे रिवर्सिबल आइसोबारिक आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डी जी जीरो हो जाएगा। सिमिलरली हम लोग देखेंगे कि रिवर्सिबल एडियाबेटिक आइसोबारिक प्रोसेस के लिए इंथैल्पी चेंज जो है वो जीरो हो जाएगा और सो ऑन। ठीक है, तो इसे ये कंक्लूड करते हैं कि यू एच एफ और जी जो है उसको हम लोग पोटेंशियल बोल सकते हैं। तो दोनों रीजन आपको पता चल गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करना है कि इससे हम लोग को इस्टेब्लिश करना है क्या मैक्सवेल्स रिलेशंस। देखिए स्टूडेंट, ये वाला पक्का लिखना है। ऊपर जो मैंने बताया, भले ही क्वेश्चन में नहीं दिया है कि थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल क्यों कहते हैं, लेकिन ये आपको ज़रूर लिखना है, ये आपका मार्क्स बढ़ा देगा। ठीक है, जनरली स्टूडेंट डिफाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा है तो ये लिखना ही पड़ेगा। तो जनरली स्टूडेंट डिफाइन करके थोड़ा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिखाएंगे तो उन लोगों को जनरल मार्क्स ही दिखे मिलेगा। आपको क्या करना है कि आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन ज़रूर करना है कि यू एच एफ और जी को थर्मोडाइनमिक पोटेंशियल क्यों कहते हैं। और यहाँ पर मैंने आपको दो दो रीज़न आपको बता दिया। अब क्या करना है, अब बहुत ही सिंपल चीज़ करना है कि मैक्सवेल्स थर्मोडाइनमिक इक्वेशन को इस्टेब्लिश करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं। पहला फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन पे आते हैं, फर्स्ट मैक्सवेल्स इक्वेशन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो हम लोग ऊपर में देख लिए थे कि डी यू क्या था, टी डी एस माइनस पी डी वी। ठीक है, तो ये फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब डी वी जब जीरो होगा वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, डी यू क्या हो जाएगा, टी डी एस हो जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर टी इज इक्वल टू डो यू अपॉन डो एस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसको चलिए फर्स्ट इक्वेशन हम लोग ले लिए, और एट कांस्टेंट एस मतलब एडियाबेटिक के लिए डी यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस पी डी वी हो जाएगा। पी आपका हो गया माइनस डो डो यू डो यू अपॉन डो भी हो गया एट कॉन्स्टेंट एस। इसको सेकेंड इक्वेशन ले लिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन वन एंड टू एंड रिवर्सिंग द ऑर्डर, एंड रिवर्सिंग द ऑर्डर इक्वेशन वन और टू को हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है और ऑर्डर को रिवर्स कर देना है। ठीक है, तो टी है ना, तो डो टी अपॉन डो वी एट कांस्टेंट एस। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, डो बाय डो वी डो यू अपॉन डो एस एट कॉन्स्टेंट एस, मतलब डो बाई डो भी एट कॉन्स्टेंट एस से दोनों तरफ हम लोग डिफ्रेंशिएट किए। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्या होता है आगे। फर्स्ट इक्वेशन भी यहाँ पे हम लोग किए हैं, तो यहाँ से आ गया डो टी अपॉन डो भी एट कॉन्स्टेंट एस इज इक्वल टू डो टू यू डो भी डो एस एट कॉन्स्टेंट बी एस। ठीक है, ये इक्वेशन ए हो गया। सिमिलरली हम लोग क्या होगा, सेकेंड वाले इक्वेशन को, जो ये वाला सेकेंड इक्वेशन है, इसको हम लोग डो बाई डो एस से डिफ्रेंशिएट करेंगे एट कॉन्स्टेंट बी। ठीक है, तो डो पी बाई डो एस एट कॉन्स्टेंट बी करेंगे तो ये हो जाएगा डो बाई डो एस माइनस साइन है डो यू अपन डो भी एट कॉन्स्टेंट एस एट कॉन्स्टेंट भी। ठीक है, तो यहाँ से डो पी इज इक्वल डो पी बाई डो एस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल हो जाएगा माइनस डो टू यू डो एस डो भी एट कॉन्स्टेंट एस एंड भी। इसको इक्वेशन बी ले लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन ए और बी को देखिए, इक्वेशन ए और बी को देखिए, तो यहाँ पे आरएचएस, आप आरएचएस में ध्यान दीजिए। ठीक है,
RHS में ध्यान दीजिए, डो भी डो एस, डो एस डो भी, ठीक है, ये ऑर्डर ऑफ डिफ्रेंसिएशन आगे पीछे है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग एक प्रॉपर्टी देखेंगे कि जो आपके इंटरनल एनर्जी जो है यू है, यू आपका एक स्टेट प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, यू आपका स्टेट प्रॉपर्टी होता है, मतलब कि वो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे ही डिपेंड करेगा, केवल कैसे उस स्टेट में पहुँचे हैं, हाउ द स्टेट हैज़ रीच्ड, उस पर ये डिपेंड नहीं करेगा। और इस पर अगर भैया ये डिपेंड नहीं करेगा तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन इसको अफेक्ट नहीं करेगा, कोई भी ऑर्डर पहले भी से कर लो, डिफरेंशिएट वी के रिस्पेक्ट में कर लो या एस के रिस्पेक्ट में कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हम लोग ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से डो भी डो एस और डो एस डो भी दोनों बराबर है, ठीक है, तो आर एच एस जो होगा दोनों सेम है, एक माइनस साइन है बस, ठीक है। चलिए इसको हम लोग यहाँ प्लस कर देते हैं, माइनस कर देते, ठीक है। तो दोनों का जो आर एच एस है, इक्वेशन ए और इक्वेशन बी, दोनों सेम है, ठीक है, इसका रीजन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इसलिए हम लोग एल एच एस भी सेम हो जाएगा, तो क्या होगा, डो टी अपॉन डो वी एट कॉन्स्टेंट एस इज इक्वल टू माइनस डो पी अपॉन डो एस एट कॉन्स्टेंट बी, ठीक है। ये आपका फर्स्ट मैक्सवेल रिलेशन हो गया, ठीक है, इसको आप ध्यान देना, ठीक है। इसको याद रखने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, एक रूल बता देता हूँ, आप यहाँ पे पी लिखना, यहाँ पे बी लिखना, यहाँ पे टी लिखना, यहाँ पे एस लिखना, ठीक है। तो यहाँ देखिए हम लोग डो टी बाई डो भी से ऐसे गए, ठीक है, और डो पी बाई डो एस से फिर एट कॉन्स्टेंट भी ऐसे गए। तो ये एरो का डायरेक्शन अलग है, ये एरो का डायरेक्शन अलग है, तो इसके कारण माइनस साइन आएगा, ठीक है, और ये ऐसे ही आएगा, ठीक है, ये लास्ट वाला जो होगा ये कॉमन आ जाता है। तो आपको ऐसे याद रखना है, डो टी बाई डो भी एट कॉन्स्टेंट एस इज इक्वल टू विद माइनस साइन, क्योंकि एरो का साइन अलग डिफरेंट है, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे आ रहा है, डो पी बाई डो एस एट कॉन्स्टेंट बी, ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, इस वाले कोने में पी, इधर भी, इधर टी, इधर एस, ठीक है, आप याद रखना, चारों का चारों हम लोग इस तरह से देखेंगे, हो जाएगा। अब हम लोगों को सेकेंड मैक्सवेल इक्वेशन देखना है, पहला तो हम लोग देख लिए हैं किससे, यू से देख लिए, इंटरनल एनर्जी थर्मोडाइनमिक पोटेंशियल से हम लोग देख लिए, अब हम लोग एच से देखेंगे, इंथैल्पी से। एच क्या था, यू प्लस पी भी था, ठीक है, डी एच को क्या लिखेंगे, डी यू प्लस डी पी भी, डी यू क्या था आपको भैया, टी डी एस माइनस पी डी भी, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी पी डी वी प्लस वी डी पी, पी डी वी पी डी वी कट गया, तो टी डी एस प्लस वी डी पी, ठीक है, डी एच इज इक्वल टू ये आ गया। फिर हम लोग सिमिलरली वैसे ही कैरी आउट करते चलेंगे सारा, जैसे अगर हम लोग एट कॉन्स्टेंट पी देखें तो टी हो गया आपका डो एच अपॉन डो एस, ठीक है, एट कॉन्स्टेंट पी, ठीक है। सिमिलरली आपका बी हो गया डो एच अपॉन डो पी एट कॉन्स्टेंट एस, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन थ्री एंड फोर एंड रिवर्सिंग द ऑर्डर, इक्वेशन थ्री एंड फोर एंड रिवर्सिंग द ऑर्डर। यहाँ पे मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड जाऊँगा, सिमिलर चीज़ करना है तो ज़्यादा टाइम देने से इसमें कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है, तो हम लोग फास्ट फॉरवर्ड जाएंगे, आप इसके आगे सिमिलर चीज, सेम चीज़ कर लेना, ठीक है। यहाँ पे ये वाले इक्वेशन में आप क्या करें, क्या करोगे, डो टी को डो पी से हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे एट कॉन्स्टेंट एस, इस वाले क्या करेंगे, डो टी डो बी को डो एस से डिफरेंशिएट करेंगे एट कॉन्स्टेंट पी, ठीक है।
तो आपका जो फाइनल एक्सप्रेशन है जो आया जाएगा, ठीक है, फाइनल एक्सप्रेशन जो आएगा वो आएगा डो वी अपॉन डो एस। आप ये चीज़ कर लेना, ठीक है ना, डो वी अपॉन डो एस इज इक्वल टू डो टी अपॉन डो पी एट कॉन्स्टेंट एस, ठीक है। ये आपका सेकेंड इक्वेशन आ जाएगा। इसको कैसे याद करेंगे हम लोग, फिर से वही डायग्राम बनाते हैं, पी वी टी एस, ठीक है। देखिए डो वी अपॉन डो एस एट कॉन्स्टेंट पी, ठीक है, फिर क्या है डो टी अपॉन डो पी एट कॉन्स्टेंट एस, ठीक है। दोनों ऊपर की तरफ ही जा रहा है, दोनों ऊपर की तरफ ही जा रहा है तो प्लस साइन होगा, ठीक है। अगर एक ऊपर एक नीचे जाएगा तो माइनस साइन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेकेंड मैक्सवेल इक्वेशन भी देख लिए, अब लोग थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन पे आते हैं। थर्ड मैक्सवेल्स इक्वेशन पे आते हैं, ठीक है। ये किससे निकलेगा, एफ से निकलेगा। एफ क्या है आपका, यू माइनस टी एस है, तो डी एफ क्या हो जाएगा आपका, टी डी एस माइनस पी डी वी, डी यू के बदले लिख दिए। अब डी टी एस करना है तो डी एफ इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी, टी डी एस टी डी एस कट गया, डी एफ क्या हो गया आपका माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी। फिर हम लोग ऐसे सिमिलरली करते चलेंगे, आपको वो सारा चीज़ लिखते जाना है जो फर्स्ट वाले में लिखे हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो आपका पी हो गया ये माइनस डो एफ अपॉन डो वी हो गया एट कॉन्स्टेंट टी, और एस जो हो गया माइनस डो एफ अपॉन डो टी हो गया एट कॉन्स्टेंट वी, ठीक है। इक्वेशन फाइव, इक्वेशन सिक्स, फिर इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन फाइव एंड सिक्स, फिर हम लोग को क्या है, रिवर्सिंग द ऑर्डर एंड रिवर्सिंग द ऑर्डर। तो भैया हम लोग का जो फाइनल इसमें आ जाएगा एक्सप्रेशन वो आएगा डो वी, एक मिनट, यहाँ पे हम लोग का जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा डो पी अपॉन डो टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू डो एस अपॉन डो वी एट कॉन्स्टेंट टी टेम्परेचर, ठीक है। ये आपका थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन आ जाएगा। इसको भी याद करने के लिए अभी तक तो आप समझ गए होंगे, पी वी टी एस, ठीक है। क्या है डो पी, देखिए डो पी अपन डो टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, इधर गया, और डो एस अपन डो वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, दोनों नीचे की तरफ आ रहा है इसलिए पॉजिटिव साइन है। तो ये आप समझ गए, ठीक है। हम लोग आते हैं फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन पे। फोर्थ मैक्सवेल्स इक्वेशन पे आते हैं हम लोग। क्या है, जी है, जी क्या था आपका, एच माइनस टी एस, यही था ना, जी आपका एच माइनस टी एस था। एच क्या था, यू प्लस पी वी माइनस टी एस, तो डी जी यहाँ से क्या हो जाएगा, डी यू प्लस डी पी वी माइनस डी टी एस, तो टी डी एस माइनस पी डी वी प्लस पी डी वी प्लस बी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी, टी डी एस टी डी एस कट गया माइनस पी डी वी प्लस पी डी वी कट गया, तो क्या आ गया, बी डी पी माइनस एस डी टी, ठीक है। फिर हम लोग ऐसे ही सिमिलर हम लोग आगे चलते जाएंगे, तो इक्वेशन सेवन और एट आएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो एक्सप्रेशन आएगा फिर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, वैसे ही डिफ्रेंशिएट और रिवर्सिंग द ऑर्डर, ठीक है, आर जैसे सेम आ जाएगा। तो यहाँ से जो हम लोग के पास एक्सप्रेशन आएगा वो आपका आ जाएगा डो एस अपॉन डो पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू माइनस डो वी अपॉन डो टी एट कॉन्स्टेंट
प्रेशर, ठीक है, ये फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन आ जाएगा। इसको कैसे याद करना है हम लोग, पी वी टी एस, क्या है, डो एस अपॉन डो पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और डो बी अपॉन डो टी एट कांस्टेंट प्रेशर। देखिए एक ऊपर जा रहा है एक नीचे आ रहा है, तो माइनस साइन के साथ यहाँ है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप समझ गए होंगे अच्छे से। अगर आप कोई भी परेशानी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो इसका पूरा नोट्स हम भेज दिया करेंगे, पूरा नोट्स इसका प्रोवाइड कर दिया करेंगे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से